ये बतहा अल कुरैश की ये एरिया है, देख रहे, काफ़ी खूबसूरत जो है प्यारी एरिया है। ये पहाड़ों में घिरी हुई है ये जगह, देख रहे, ये टावर है। काफ़ी जो है कि अच्छी एरिया है। अभी पूरा ये सब प्लाटिंग होके जो है ये सब देखिए काम चल रहा है यहाँ पे। अभी पूरी नई एरिया है, यहाँ से हरम शरीफ जो है कुछ ही दूरी पे है। देख रहे हैं ये सामने पूरा ये सब नई नई बिल्डिंगें सब बन रही हैं, और जो है कि वो सामने वो टावर दिख रहा है वो देखिए, ये जो है टावर जमजम है, यही जो है हरम शरीफ यही पे है। देख रहे हैं ये टावर जमजम है, काफ़ी यहाँ से गरीब है ये बताल पूरे से। देख रहे ये सब। तो मेरे भाइयों, अभी हम जो है मक्का बतहाल कुरैश में थे, अभी जा रहे हैं घर पे वापस। ये देखिए ये जो रास्ता है, ये ताइफ को ये रास्ता गया होगा, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरी साइड में पहाड़ी वगैरह ये सब है। ये आप लोग बोर्ड ये देख रहे हैं, ये देखिए अलताइफ का बोर्ड लगा हुआ है, देख रहे हैं अलताइफ। देखिए तो अभी हम लोग जो है कि ये मक्का शहर जो है कि पूरा पहाड़ियों में ये बसा हुआ है। यहीं से कुछ दूरी पे जबल नूर और जो है मीना, मुदलफा, अरफात आप लोगों को यहीं पे कुछ दूरी पे जो है मिलेगा। अभी देखिए हम टर्निंग मार रहे हैं, अभी यह टर्निंग है। वो देखिए सामने जमजम टावर फिर दिख रहा है। ये देखिए नीचे ब्रिज है, इसी ब्रिज से हम लोग जो है नीचे उतरे थे। अभी टर्निंग मार रहे हैं, अब देखिए ये मस्जिद अल हरम, इसी ब्रिज पे फिर चढ़ जाएंगे तो हरम में पहुंच जाएंगे और सीधा निकल लेंगे तो ये ताइफ हो गया। मक्का जो है इस एरिया का नाम है शौकिया। अभी देख रहे हैं मक्का में हम लोग हैं। अभी यहाँ पे जो है देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, बहुत ही बेहतरीन जो है डेवलप हो रहा है। अभी ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए पढ़िए क्या लिखा है, देख रहे हैं ना। अभी हम ये ताइफ को वापस जा रहे हैं। ये जो सामने आप लोगों को ये बिल्डिंग जो दिख रही है, अभी हम ये ताइफ को वापस जा रहे हैं। ये जो सामने आप लोगों को ये बिल्डिंग जो दिख रही है, ये पहाड़ पे जो है इसको लाल पहाड़ बोलते हैं, क्योंकि लाल पहाड़ बोलने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें हैं सब लाल जो है ईंट से बनी हुई हैं। देखिए ये जो है हरम शरीफ का जमजम टावर ये है, बहुत ही प्यारा जो है लुक है यहाँ का। ये देखिए ये जो है ये बिल्डिंग है, ये सब इसको जो है कि लाल पहाड़ इसको बोलते हैं। ये पूरा जो है कि लाल पूरी बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंग आप देख लीजिए पूरी जो है बिल्डिंग लाल ईंट से बनी हुई है, देख रहे हैं ना, देख लीजिए पूरी जो है बिल्डिंग ये लाल ईंट से जो है बनी हुई है। और इधर भी देखिए ये देखिए ये पहाड़ी पे एकदम घर देखिए बनाया हुआ है, कल को पहाड़ी गिरे तो इसकी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। ये अभी हम लोग मक्का में हैं, ये मक्का में इस जगह का नाम नक्कासा, ये जो बिल्डिंग जो अजनबियों का मार्केट है ये, यहाँ पे जो लाल बिल्डिंग आप देखे थे वो जो है नक्कासा एरिया है, उस एरिया का नाम नक्कासा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ये रास्ता जो है कुदई चला गया, कुदई मौका पार्किंग, कुदई पार्किंग पे ये जो कट आप देख रहे हैं, ये देखिए ये कुदई पार्किंग में चला गया है। और अभी जो सीधे आप जाएंगे तो ये ताइफ चला गया है। अभी हम लोग ताइफ जो है रवानगी है, ताइफ हम लोग जा रहे हैं। अभी हम मक्के की शहर में हैं, अभी हम मक्का की हदूद में हैं। अभी मक्का शहर ये नक्कासा एरिए पे अभी हम लोग हैं।
साथ में ये कमरुद्दीन है, ये जिला आजमगढ़ देवरिया के हैं और मैं आसिम इलेक्ट्रिशियन है। हम दोनों जो है एक ही कफील के आदमी हैं। अभी मक्का में आए थे हम लोग, अभी जा रहे हैं अपने रूम पे ताइफ वापसी में। अभी जो है कि आगे आप लोगों को दिखाते हैं पूरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं जो है मक्का शहर कैसा दिखता है आज। अब ये देखिए पेट्रोल पंप से हम लोग निकल चुके हैं। ये सामने ये बिल्डिंग दिख रही है आप लोगों को। ये जो है देखिए कितना जो है कि प्यारा इसका लुक है, इसका नक्शा, इसकी डिज़ाइन देखिए कितनी कितनी प्यारी बनाया हुआ है, देख रहे हैं ना, बहुत ही डेवलप हो चुका है। ये सामने भी देखिए ये सब बना हुआ, वो देखिए एकदम पहाड़ी के ऊपर बोर्ड लगा दिया है, अपना जो है बैनर लगा दिया है। ये जो है कि अभी हम लोग जो है यहाँ से निकल चुके हैं। ये देखिए ट्रेला है, ये मक्का रोड है। यहाँ पे आप जो है कि ये मक्का जिद्दा, ये रास्ता जिद्दा गया हुआ है बैक साइड में, अभी तो हम ताइफ जा रहे हैं। ये रास्ते पे आप 24 घंटे में 24 आवर्स में ये देखिए पहाड़ी काट के जो है बिल्डिंगें बन रही है, देख रहे हैं ना। ये आप जो है 24 आवर्स में कभी भी यहाँ पे आइएगा इस रोड के ऊपर, तो आपको जो है कि हमेशा ऐसे ही चल जो है ट्रैफिक मिलेगी। 24 घंटे में आप कभी भी आइए यहाँ पे जो है आपको ऐसे ही ट्रैफिक यहाँ पे मिलेगी। अभी देखिए हम लोग इस कट में इंटर हो रहे हैं, देख रहे हैं कितना जो है कि प्यारा लुक है। एक्चुअली इसका लुक जो है कि इससे खूबसूरत और होने बढ़ जाता है कि साइड में जो है, या सऊदी के किसी भी रोड पे आप चले जाइए, आपको साइड में जो है ये पेड़ पौधे झाड़ वगैरह ये सब, यानी यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये सब आपको देखने को जो है मिल जाएगा। गवर्नमेंट देख ही रहे हैं, ये हर साइड से जो है पेड़ लगा हुआ है। ये साइटों में देखिए दुकान है, ये पेट्रोल पंप है, ये सब जो है, ये मक्का शहर है। मक्का शहर खूबसूरत शहर, नबियों का शहर जो, ये तो आपको पता ही है। किसी दिन वीडियो जो है मैं आप लोगों को बनाऊंगा जो है मीना मुदलफा पूरा वहाँ पे जा करके, अभी जो है टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाऊंगा वहाँ पे जा करके आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूंगा। अभी देखिए यहाँ पे ये सामने जो दिख रही है पहाड़ी, यहाँ पे देखिए काम चालू है। ये पहाड़ी देखिए पूरा जो है GCB देखिए, देख रहे हैं ना, पूरी GCP वेंच सब कुछ लगा हुआ है। ये पहाड़ी जो है काट रहे हैं, पहाड़ी कटिंग करने के बाद जो है बिल्डिंग बनाएगी जो है इस पर। देख रहे ना, मैं आप लोगों को पूरा मक्का दिखा रहा हूँ, मक्का शहर का रोड जो है। अभी आप सीधे इस रोड पे जाते रहिए जो है कि ये आपको सीधे लेकर ये रास्ता जो है ताइफ चला जाएगा। ये देखिए ये बोर्ड देख रहे हैं ना, मीना मुदलफा अरफात ये सब जो है आपको मिलेगा जो है। भाइयों ये देख रहे हैं, ये जो है ये एरिया का नाम है राजही, ये राजही मस्जिद इसके बैक साइड में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही जो है कि खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। अगर जो देखा जाए तो हरम शरीफ के बाद जो है कि मक्का में सबसे खूबसूरत मेरे हिसाब से यही मस्जिद है, और राजही मस्जिद। मैं भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस बिल्डिंग के पीछे, ये पूरा राजही वाले का प्लांट है ये सब पूरा। और ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, ये आप जो ब्रिज देख रहे हैं ना, ये अजीजिया है, ये हाजी लोग जो आते हैं यहीं पे जो है वो रुकते हैं। ये देखिए ये मस्जिद अर्राजी है, देख रहे हैं ना कितनी खूबसूरत मस्जिद देखिए जो है बनाया हुआ है। ये मस्जिद अर्राजी है, कई हजार तो गाड़ी पार्किंग हो जाए, देख रहे हैं पूरा ये मस्जिद के एरिया, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये सब मस्जिद की एरिया है। मस्जिद अर्राजी है, बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाया हुआ है। ये देख रहे हैं पूरा ये ग्राउंड जो है उसी का है, राजही का है, राजही का है। सब देख रहे हैं, ये सामने जो है
देख रहे कितना खूबसूरत जो है प्यारा मंजर है। ये अभी आगे जाएंगे तो आपको जो है कि इस जगह का नाम है अव्वाली। देखिए 100 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कैमरा है, कैमरे का मतलब ऑटोमेटिक जो है कैमरा आ जाएगा और उस पर जो है आपको जो है स्पीड के हिसाब से फाइन है, 150 रुपये से लेके 500 रुपये तक की फाइन है। देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत जो है कि ये है, ये मक्का जो है। अभी हम लोग मक्का की हदूद में है, मक्का शरीफ की हदूद में है। ये देखिए सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे आपको मुजदलफा ये रास्ता चला जाएगा, उसके बाद जो है कि अरफात में चला जाएगा, ताइफ भी चला जाएगा ये रास्ता जो है। ये देख रहे हैं ये पूरा जो है कि शॉपिंग मॉल है, ये सब ये पूरा शॉपिंग मॉल है। ये देखिए एम्बुलेंस जा रही है, लगता है कहीं कोई हादसा हुआ है। ये जो है कि वाले रोड पे लेके चलना, ये देखिए अभी हम लोग जो है यहाँ से मीना के जो है कि हुदूद शुरू हो चुका है। ये अभी हम मैं जो है आप लोगों को दिखा रहा हूँ मीना में, जहाँ पे हाजी लोग जो है नमाज पढ़ने आते हैं मीना मुदलफा हज की नमाज में जो है। यहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी होता है मीना मुदलफा, और अरफात भी इधर ही आपको मिलेगा इसी रोड पे, आगे अरफात भी है। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो है। मीना तो पीछे ही लगा ना, यही था शुरू तो हुआ था। अच्छा, ये देखिए ये जो बॉक्स लगा हुआ यही कैमरा देखिए। चलो तो छोड़ो, चलो इधर से नहीं दिखेगा, इधर से नहीं दिखेगा। अभी इसी रास्ते पे आगे अरफात है, मैं जो है कि अभी चल रहा हूँ, मैं आप लोगों को अरफात दिखा रहा हूँ और जो है हरम शरीफ की हुदूद जो है दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये जमजम का पानी ये बेच रहे हैं भाई साहब, सब पूरा जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ का मौसम जो है बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी तो काफ़ी है, लेकिन मौसम अच्छा है, धूप नहीं है उतनी लेकिन गर्मी है। क्या हो गया यार, देख रहे हैं ना ये सामने जो है इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये पूरा है, ये पूरा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है यहाँ पे। ये मतलब ये पूरे मक्के का नहीं है, कुछ कुछ एरिया का जो है कि पावर प्लांट डिवाइड कर दिए हैं। देख रहे ना ये देखिए हिजाज जुनूब जो है सिरगश। अभी हम लोग जो है मक्का के हदूद में ही अभी हैं। अभी देखिए ये मक्का का हदूद जो है आगे से यहाँ से जो है मक्का जो है ख़त्म हो गया, और एक बार सिलो करा। ये देखिए ये अरफात, यहाँ से अरफात शुरू हो रहा है। चलो ये जो है यहाँ से अरफात मैदान शुरू हो गया है, और जो है कि ये जो हदूद है ना यहाँ पे कम, थोड़ा स्पीड कम करिए और आगे वो ही खड़ी कर। अभी ये देखिए ये मक्का का जो हदूद है, ये देखिए ये हरम का हदूद देखिए यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। चलो देख रहे ना यहाँ से, अब ये यहाँ से जो है ये अभी मक्का में ही हम लोग हैं, लेकिन जो हरम शरीफ का हदूद था वो जो है ख़त्म हो चुका है। चलो तो दोस्तों एंजॉय करिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ये पूरा जो है ये अरफात का मैदान इधर देखो बाएं साइड से, हाँ जी उधर नज़र आ रहा है। हाँ अच्छा, ये देख रहे हैं ना ये पूरा जो है आप लोगों आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा अरफात का मैदान है। ये सब जो है पूरा झाड़ियों के पीछे अरफात का मैदान है, और ये मस्जिद यहाँ जो है हज की नमाज जो है क्या नाम है वो मस्जिद नमरा में जो है अदा की जाती है। देख रहे हैं ये पूरे गांव जो है ये पहाड़ियों में बसा हुआ है, ये पहाड़ियों
में जो बसा हुआ है इनकी ज़िंदगी कैसी होती है। हालांकि ये लोग ज़्यादातर जो है कि आउटसाइड में ही रहना पसंद करते हैं। गाड़ी है इनके पास भाई ना, इनके पास एक्चुअली क्या है कि इनके पास हर चीज़ की सुविधा है, गाड़ी से लेके हर एक चीज़ की सुविधा है। देख रहे हैं पूरा पहाड़ियों में ये लोग बसे हुए हैं, हर चीज़ की सुविधा है। गाड़ी फोर व्हीलर गाड़ी इनके पास होती है, अपना स्टार्ट किए पहुँच गए जहाँ जाना है। देख रहे हैं ना ये पूरा जो है पहाड़ी एरिया है, ये मक्का की जो है एरिया है। इस एरिया को बोलते हैं वादी अलकुर, देख रहे हैं ना ये वादी अलकुर एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी एरिया ये वादी अलकुर है, ये मक्का की हदूद में ये एरिया आती है। ये मक्का की हदूद में ये एरिया आती है, इसको वादी अलकुर बोलते हैं। देख रहे हैं पूरा चारों तरफ से पहाड़ी है, पूरा का पूरा चारों तरफ से पहाड़ियों में ये लोग जो है बसे हुए हैं। और जो है कि हालांकि पहाड़ियों में हमारे यहाँ तो कोई पहाड़ी में अगर चला जाए तो वहाँ जो है सालों साल जो है कि बिजली का कुछ पता ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो है कि अगर एक घर भी बन गया तो यहाँ बिजली की सप्लाई दे दी जाती है। गवर्नमेंट यहाँ की अच्छी है क्योंकि यहाँ पे जो है कि काम जो है बहुत फास्ट होता है यहाँ पे, इसीलिए जो ये लोग कहीं भी अपना घर बना के रहते हैं ना। ये देख रहे हैं ये पूरा गाँव देख लीजिए, ये पूरा गांव जो है पहाड़ियों में ही देखिए बसा हुआ है। देख रहे हैं ना पहाड़ी चोटी पे कहां कहां घर बना के ये लोग रहते हैं, जूम करके दिखा रहा हूँ देख लीजिए। लोगों को पहाड़ियों में रहना जो है कि काफी पसंद है, ये लोग जो है ज्यादातर पहाड़ियों में ही रहते हैं। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है आप लोगों को ये देखिए, अभी यहाँ पे जो है कि हम चढ़ने वाले हैं, इसका नीचे से कुछ लुक जो है इस तरीके से दिखता है। अभी हम देखते हैं चढ़ के और कितना टाइम, बस अभी हम जो है पहुँचने ही वाले हैं। देख रहे हैं पहाड़ी ये देख के जो है, ये जो सीनरी है ये देख के मुझे वो हिंदी फिल्म का सॉन्ग याद आने लगता है कि मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। अब वाकई में जो है कि अगर जो ऐसी जगह हो तो वहाँ पे दिल खो जाए तो फिर। और ये हमारे जो है ये देखिए कमरुद्दीन साहब हैं, ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं देख रहे हैं ना। ये देखिए ये इस टर्निंग के बाद जो है फिर एक टर्निंग और आएगी, उसके बाद जो है समझ लीजिए हम लोग अपने अड्डे पे पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे ये देखिए नज़दीक आ रही है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जाना है, धीरे धीरे नज़दीक में आ रहे हैं। और ये देखिए ये पूरी खाड़ी है, जगहियाँ मिली तो रोक अभी ना आगे देख रहे हैं ना। अब जो है हम लोग लगभग लगभग अपने ठिकाने पे पहुंच रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। मेरे ख्याल से एक स्टेप या दो स्टेप और बचा हुआ है ये टर्निंग का, उसके बाद जो है हम लोग अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जाना है, ये यहाँ पे बस नज़दीक में ही है, लगभग जो है पहुँच चुके हैं हम लोग। बस ये यहाँ की पहाड़ियों में क्या है कि जान नहीं है, पूरा जो है पहाड़ी जो है देखिए, अब हमारे यहाँ जो पहाड़ियाँ होती हैं एकदम हरी भरी हरियाली होती है, लेकिन अभी देखिए जो है
लेकिन यहाँ की पहाड़ी देखिए एकदम बेजीव जान की जैसा लगता है सूख गए। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे बारिश जो है ना, बारिश जो है यहाँ पे बहुत कम होती है। पहले देखिए यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करके अंदर जो है ये चीज़ देख रहे हैं, ये बंद कर दिया है। यहाँ से आप जो है गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे जाके सीनरी ले सकते थे, लेकिन जो है कि अभी बंद कर दिया है। कुछ ऐसा हादसा हो गया था इसके लिए बंद कर दिया है। ये लगता है देखिए ये भाई की भी गाड़ी खराब हो चुकी है। भाई इस पहाड़ी पे चढ़ने में अच्छी अच्छी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, क्योंकि इतना चढ़ाई इस पे है, इतनी जो है चढ़ाई है यहाँ पे, इस पर जो है पूछ लिया मैं। देख रहे हैं अब जो हम पहाड़ियों के बीच में गिर चुके हैं और लगभग अपने ठिकाने पे पहुंचने ही वाले हैं। पहुंचने वाले क्या समझ लीजिए, पहुंच चुके हैं। बस ये अभी जो ये ब्रिज है, अभी ये जो आप देखेंगे ये लास्ट टर्निंग है हम लोगों की। ये देखिए ये लास्ट टर्निंग है, ये लास्ट टर्निंग है। उसके बाद जो है हम लोग ये पहाड़ी देखिए एकदम रोड में एकदम टच है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा एकदम जो है पहाड़ी सटी हुई है। ये लास्ट टर्निंग है, अब हम लोग जो है अपने अड्डे पे पहुँच चुके हैं समझ लीजिए। अभी यहाँ ऊपर जाएंगे ना, सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ पे ऊपर चढ़ते ही आपको जो है कि लेफ्ट साइड में फल फ्रूट की जो है आपको दुकानें दिखेंगी, और दुनिया का कोई सा भी फल हो, कोई सा भी फल हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये फलों की दुनिया सील हो जाएगी। ये भी हम लोग पहाड़ी पे चढ़ चुके हैं। ये देखिए ये बंदर जो है घूम रहा है, टहल रहा है। ये देखिए बंदरों की भीड़ जो है। अभी हम लोग जो है ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए ये जो है अब हम लोग आ चुके हैं। देखिए जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए ये रोड ख़त्म होते ही ये आपको राइट लेफ्ट साइड में फ्रूट मार्केट दिखेगी, और जो है फ्रूट मार्केट यहाँ पे आप जो है कि कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी फल फ्रूट आपको जो भी चाहिए यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं थोड़ा क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए शुरू हो चुकी है, ये जो है पूरी ये लाइन से जो है फ्रूट की दुकान है। यहाँ पे आपको हर किस्म का जो है फल फ्रूट मिलेगा। अब आगे जो है कि चेक पॉइंट है, ये देखिए ये चेक पॉइंट दिख रही है। तो चलिए अब वीडियो रखते हैं, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चेक पोस्ट, ये चेक पोस्ट है, ये अब हम लोग ताइफ में एंट्री मार चुके हैं, ये ताइफ का चेक पोस्ट है। ओके दोस्तों।